जी हाँ, नमस्कार साथियों। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार दे रही है किसानों को फ्री 3600 रुपये का लाभ। सिर्फ किन किसानों को मिलेगा ये लाभ, उसको लेकर शुरू में हम बात करेंगे। कर्ज माफ़ी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 19वीं किस्त की भी इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार किस योजना के तहत किसानों को 3600 रुपये प्रोवाइड करवा रही है और किन किन राज्यों के किसानों को ये लाभ मिलने वाला है, इसको लेकर इस वीडियो में हम A to Z जानकारी शेयर करेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी पहले देखो, पहले से को YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए की बड़ी खुशखबरी का ऐलान। 25 तारीख से पहले मिलेंगे 3600 रुपये। जी हाँ साथियों, 25 तारीख से पहले किसानों के अकाउंट में 3600 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हरियाणा के अंतर्गत यहाँ पे हरियाणा सरकार ने गेहूं की बिजाई पर किसानों को 3600 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके लिए अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले समेत प्रदेश के 8 जिलों में किसानों को 25 दिसंबर तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा और 3600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में 8 जिलों के किसानों द्वारा आवेदन करने के बाद 1041 एकड़ भूमि पर गेहूं की बिजाई के लिए 37.48 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं योजना के तहत हरियाणा के 8 जिलों में उन्नत तकनीकी वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों के गेहूं के समूह प्रदर्शन संयंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। उन्नत तकनीकी वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं प्रदर्शन संयंत्रों पर 3600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान को कितना लाभ मिलेगा, तो एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20% लाभ उपलब्ध होगा। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें उपयोग होने वाले कृषि सामग्री खरीदने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी, सह समिति अधिकृत विक्रेताओं से कृषि सामग्री खरीदें और रसीद संबंधित कृषि विकास अधिकारी को भेजें। कृषि विकास अधिकारी से सत्यापित करके उप कृषि निदेशक कार्यालय में भेजेंगे। इसके बाद उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा किसानों के बैंक खाते में ये अनुदान राशि जो है 3600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये भेजी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किस क्षेत्र से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पास में बेल घंटे किसानों को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे साथियों जल्दी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।